हम सदनों के संरक्षक होने के नाते हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लें इस लोकतंत्र के लिए, ताकि आने वाली भावी पीढ़ियां हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्यक्रम को देखें और उस पर विश्वास भरोसा बढ़े। और इसके लिए हमने जो फैसले लिए, निश्चित रूप से उससे हमारे कार्यक्रम में दक्षता आएगी, कुशलता आएगी। हम हमारे जनप्रतिनिधियों की कार्यक्रम कुशलता दक्षता को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, ताकि दुनिया में हमारे लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उनकी संस्थाओं के कार्यक्रम को दुनिया के लिए उदाहरण रहे, लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए प्रेरणादायी रहे। और इसलिए हमारी चर्चा संवाद के साथ हमारे लेजिस्लेटिव वर्क के अंदर भी हम दक्षता लाने का प्रयास कर रहे हैं। कानून बनाते समय बड़ी चर्चा और संवाद हो, बेहतर कानून बने, जो अनावश्यक कानूनों को समाप्त करने के लिए प्रयास करें। आज मैं देख रहा हूं कि देश की जितनी विधानसभा है वो पेपरलेस की ओर बढ़ रही है, डिजिटल का प्रयोग कर रही है। सबने अपनी अपनी विधानसभाओं को, जब से विधानमंडल बने उससे पहले की डिबेटों को डिजिटाइजेशन किया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी विधानमंडलों की चर्चा संवाद को पढ़ सके, देख सके, उससे प्रेरणा ले सके। और हमारा लक्ष्य है 2024 तक वन नेशन वन लेजिस्लेटिव, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम पूरा करेंगे। और देश की जनता भी और दुनिया के लोग भी एक प्लेटफॉर्म पर हमारे लेजिस्लेटिव कार्रवाइयों को देख पाएंगे। मुझे आशा है आपके इस दो दिन के इस अधिवेशन के बेहतरीन परिणाम होंगे और मुंबई डिक्लेरेशन का एक लंबे समय तक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मुंबई की धरती पर कई सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक आंदोलन हुए जिन्होंने देश को दिशा दी है। और हमारा ये विधानमंडल अध्यक्षों का सम्मेलन भी एक लंबे समय हमारे निर्णय फैसलों को लेकर चलेगा, और हम संस्थाओं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाएंगे, पारदर्शिता बनाएंगे।